Patel Ashra from Deepdarshan Vidya Sankul. Today's our subject about general awareness. First of all, we will do prayer. So all of you join your hands and close your eyes. Now start slow. अभी हमारे घर के गणपति बाप्पा आए ना, तो हम उनको याद करके एक श्लोक बोलेंगे. ओके, सो स्टार्ट श्लोक विथ मी. ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया. ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया. ओके, लेट्स स्टार्ट. एक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस, आपको जनरल अवेयरनेस की बुक लेनी है. ओके, इन आवर लास्ट वीडियो वी विल कंप्लीटेड फ्रॉम पेज नंबर 13. हमारे लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 13 तक कंप्लीट किया है. सो लेट्स ओपन द पेज नंबर 14. टुडेज आवर टॉपिक अबाउट बीइंग हेल्दी. आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हैं, ये स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए. ओके, आर यू रेडी? सो लेट्स रीड विथ मी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रश टीथ, हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए. नाउ सेकेंड, वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. टॉयलेट को यूज़ करने के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए. नाउ थर्ड इज हैव अ बाथ, हमें रेगुलर नहाना चाहिए. नाउ फोर्थ, वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन कपड़े पहनने चाहिए. नाउ फिफ्थ, हैव ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट किसे बोलते हैं? सुबह सुबह में हम जो लेते हैं ना, उसको सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट बोलते हैं. तो हैव ब्रेकफास्ट, हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए. नाउ सिक्स, हैव लंच. लंच किसे बोलते हैं? यस, दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं? लंच. तो हैव लंच, हमें रेगुलर लंच करना चाहिए. नाउ सेवन्थ, प्ले इन द इवनिंग, फिर शाम को हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा खेलना चाहिए. नाउ एट, हैव अ वॉश, खेलने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए ना. यस, तो एट नंबर, हैव अ वॉश, हमें वॉश करना चाहिए. नाउ नाइन्थ, हैव डिनर. डिनर किसे बोलते हैं? रात के खाने को डिनर बोलते हैं. हैव डिनर, हमें डिनर करना चाहिए. नाउ टेंथ, ब्रश टीथ, रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए. ओके, नाउ इलेवेंथ, स्लीप 8 to 9 hours, हमें 8 to 9 hours सोना चाहिए. ओके, आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? स्टे क्लीन एंड हेल्दी. क्लीन और हेल्दी रहने के लिए हमें ये 11 स्टेप दिए, उनको फॉलो करना चाहिए. आप सब फॉलो करोगे ना? ओके, नाउ नेक्स्ट, ओपन द पेज नंबर 15. नाउ लेट्स रीड विथ मी. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल रीड इंस्ट्रक्शन. दिस इज हाउ यू शुड वॉश योर हैंड्स, हमें कैसे हाथ धोने चाहिए उसके बारे में ये 6 स्टेप दिए हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट हैंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हाथों को धोना चाहिए. देन आफ्टर सेकंड, सोप, उसके बाद क्या करना चाहिए? हाथों को गीले करने के बाद क्या करना चाहिए? सोप लेना चाहिए. आप लेते हो ना, हैंड वॉश करते हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट हैंड्स, देन सोप, देन थर्ड रब पाम टू पाम, उसके बाद सोप लेने के बाद क्या करना चाहिए? दोनों पाम को, दोनों हथेलियों को मिला के घिसना चाहिए, रब करना चाहिए. नाउ फोर्थ, स्क्रब अंडर फिंगर नेल्स एंड रिस्ट, उसके बाद क्या करना चाहिए? स्क्रब करना चाहिए.
फिंगर्स को, नेल्स को, सबको स्क्रब करना चाहिए, बराबर घिसना चाहिए। देन आफ्टर रिंस, उसके बाद हमें हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। नाउ सिक्स, टर्न ऑफ द टैप एंड ड्राई, उसके बाद क्या करना चाहिए, पानी के नल को बंद करके हमें हाथों को अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। ओके, आपको समझ में आया गया? हाउ यू शुड वॉश योर हैंड्स, हैंड वॉश कैसे करने हैं, आपको समझ में आ गया? फर्स्ट ऑफ वेट हैंड्स, सबसे पहले हाथों को गीले करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट सोप, उसके बाद सोप लेना चाहिए। देन आफ्टर रब करना चाहिए, उसके बाद फिंगर्स को, नेल्स को, सबको रब करना चाहिए। देन आफ्टर रिंस, धोना चाहिए और पोंछ लेना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, आप अपने हाथ सोप से और वाटर से धोते हो? अगर आप धोते हो तो यस टिक करना है। धोते हो ना, टीचर ने सिखाया ना, मम्मी ने सिखाया ना। ओके, बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ धोते हो? यस, तो यस टिक करना है। ओके, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, खाने के बाद हाथ धोते हो? यस। आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट, टॉयलेट करने के बाद हाथ धोते हो ना? यस। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, ओपन द पेज नंबर 16। नाउ लेट्स रीड इंस्ट्रक्शन। सर्कल द थिंग्स दैट आर यूज टू स्टे क्लीन, क्लीन रहने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। इसमें से हम कौन सी चीज़ें यूज करते हैं क्लीन रहने के लिए, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोप, सोप यूज करते हो ना, तो सोप के ऊपर सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, टूथब्रश, ब्रश करते हो ना, टूथब्रश के ऊपर सर्कल करना है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, टूथपेस्ट, आप ब्रश करते हो तो क्या यूज करते हो, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के ऊपर सर्कल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉम, कॉम यूज करते हो क्लीन रहने के लिए, नहीं ना? ओके, नाउ टाल, टाल्क यूज करते हो, बॉडी टाल्क नहीं करते ना, हैंकी। देन आफ्टर शूज, देन आफ्टर सॉक्स, देन आफ्टर बकेट, टॉवेल, टॉवेल यूज करते हो ना, नहाने के बाद क्या करते हैं हम, टॉवेल से बॉडी को पोंछते हैं ना, तो बॉडी को क्लीन रखने के लिए टॉवेल यूज करते हैं, तो टॉवेल के ऊपर सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट, नेल कटर, नेल काटने के लिए नेल कटर यूज करते हो ना, तो नेल कटर के ऊपर सर्कल करना है। एंड देन आफ्टर शावर, शावर यूज करते हो क्लीन रहने के लिए, यस, पानी यूज करते हो ना। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं क्लीन रहने के लिए हम, सोप, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉवेल, नेल कटर एंड शावर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नाउ पेज नंबर 17, दिस इज अवर होमवर्क, स्टूडेंट्स दिस इज अवर होमवर्क, ये हमारा होमवर्क है। पेज नंबर 17, पिक द थिंग्स दैट यू डू ऑन योर ओन, खुद से आप क्या क्या करते हो इसके बारे में आपको टिक करना है। ओके, फर्स्ट हैव अ बाथ, खुद से नहाते हो, अगर आप खुद से नहाते हो तो उसमें राइट टिक करना है, अगर मम्मी आपको नहलाती है तो कुछ नहीं करना है। ओके, आपको क्या करना है, जो चीज़ें आप खुद से करते हो उसमें राइट टिक करना है। हैव अ बाथ, नहाते हो तो राइट टिक। कॉम्ब माय हेयर, अगर अपने बाल खुद से बनाते हो तो राइट टिक करना है। टाई माय शू लेस, अपनी शू लेस बांधते हो तो राइट टिक करना है। पैक माय बैग, अपनी बैग पैक करते हो तो राइट टिक करना है। ईट माय फूड, अपना खाना खुद से खाते हो तो राइट टिक करना है। ओके, बटन माय शर्ट, अपने शर्ट के बटन लगाते हो खुद से तो राइट करना है। ओके, एंड पेज नंबर
18. Do you do this? Take the ones you do. इसमें से आप क्या करते हो उसमें टिक करना है. Wake up early in the morning. अगर सुबह में जल्दी आप उठ जाते हो तो उसमें राइट टिक करना है. Eat breakfast. ब्रेकफास्ट करते हो तो उसमें राइट करना है. Keep fingernails short and clean. अपने नेल्स शॉर्ट और क्लीन रखते हो तो उसमें राइट टिक करना है. प्ले एवरी डे. हर रोज़ खेलते हो. हाँ खेलते तो हो सब आप है ना, हर रोज़ खेलते हो ना, तो प्ले एवरी डे तो उसमें राइट टिक करना है. टेक बाथ एवरी डे. हर रोज़ नहाते हो ना तो उसमें राइट टिक करना है. ब्रश माय टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में दो बार ब्रश करते हो, अगर करते हो तो राइट टिक करना है. वियर क्लीन क्लोथ्स. अच्छे कपड़े पहनते हो ना, क्लीन कपड़े, तो उसमें राइट टिक करना है. गो टू बेड अर्ली. जल्दी से सो जाते हो कि देर तक टीवी देखते हो? अगर जल्दी से सो जाते हो तो राइट टिक करना है. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू.